हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। तो कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो मेरा बहुत छोटा होता है, अब ज़्यादा लंबा नहीं रहता, तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, देखिए प्लांट्स तो सभी हमको ऑक्सीजन देते हैं, पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफाइड प्लांट जिसको बोल सकते हैं, हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। मैं उनमें से कुछ प्लांट अपने गार्डन में लगे हुए प्लांट आपको शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहला तो ये है सेंसोवेरिया का प्लांट, स्नैक प्लांट। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये इजी टू मेंटेन भी है। ये आउटडोर इंडोर बहुत अच्छे से चलता है। बहुत तेज़ धूप हो जाए तभी इसकी ये टिप की पत्तियां जली जली सी लगेंगी, नहीं तो ये बाहर भी चल जाता है। और फुली ये इंडोर भी, एक एक महीने आप अंदर रूम में, आप मतलब बिल्कुल शेडी प्लेस पे भी रखो तो ये चलता है। और ये प्लांट 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी की दूसरी वैरायटी है ये, और ये भी ऑक्सीजन मतलब हवा को शुद्ध करने वाला बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। उसके बाद है ये, देखिए ये जीजी प्लांट। इसका बड़ा प्लांट मेरे आंगन में है, सारे प्लांट मेरे आंगन में है, तो मैं अभी टेरेस पे ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। उसके बाद ये डंपकिन का प्लांट, बहुत ईजी टू ग्रो, बहुत ईजी टू मेंटेन। ये भी आउटडोर इनडोर दोनों ही चलता है। बस बहुत ज़्यादा अंधेरा या बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी धूप में आप मत रखिए, फिर ये दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। और बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन, और कटिंग से बहुत अच्छे से ये प्रोपोगेट होता है। उसके बाद है ये एलोरिमा का प्लांट। ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बेस्ट प्लांट माना जाता है, और इसका भी प्रोपोगेशन बहुत ईजी होता है। इसको भी आप ब्राइट लाइट में रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता है। और रेतीली मिट्टी बनाएँ, ड्रेनेज अच्छा रखें सभी प्लांट का, मतलब प्लांटर का। नेक्स्ट है देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बेस्ट प्लांट माना जाता है। और ये भी इजी टू मेंटेन है, इसको भी रेतीली मिट्टी में लगाइए और कटिंग से बहुत अच्छे से प्रोपगेट होता है। पानी में भी ग्रो हो जाता है, रूट बन जाते हैं इसके, और ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। उसके बाद ये देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से कटिंग से डिवाइड होने वाला प्लांट है, और इसको भी आप अच्छे ड्रेनेज वाले प्लांटर में लगा दीजिए और ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलता है। बहुत अच्छे से इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ईजिली होता है, तो ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। उसके बाद ये रबर प्लांट, ये मेरे गार्डन में मैंने नया ऐड किया है। ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। इसको भी ब्राइट लाइट में रखिए, और कटिंग से मैंने एक इसको और बना भी लिया है और वो लग भी गया है, तो कटिंग से बहुत आसानी से लगता है और हवा को शुद्ध करने के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। और इसको भी ब्राइट लाइट में रखिए। उसके बाद ही ये पाम की एक वैरायटी है, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। ये पाम की दूसरी वैरायटी है, ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफाइड प्लांट माना जाता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, ये सभी ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके बाद ये पीपल का प्लांट, ये भी 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। और पीपल की तो पूजा भी की जाती है, इसमें दिया भी लगाया जाता है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और ये तो फ्री में ही आपके गार्डन में कहीं ना कहीं आपको उगे मिल जाएंगे, आप इनको अच्छा सपोर्ट दे दीजिए बस, और कोई केयर नहीं मांगता ये प्लांट। ये है पेंसिल कैक्टस का प्लांट, और ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, और कटिंग से बहुत ईजिली ये ग्रो होता है, और ये मेरा कटिंग से ही ग्रो हुआ प्लांट है। नेक्स्ट देखिए ये डबल बेलबॉम का प्लांट, कितना सुंदर इसके बेरी गेडेड पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। और इसके दोनों वैरायटी मेरे पास हैं, ईजी टू ग्रो, कटिंग से बहुत आसानी से लगता है, कैसी भी मिट्टी में लग जाता है। आउटडोर इंडोर ये सभी जगहों पे बहुत अच्छे से चलता है।
और हवा को शुद्ध करने वाला ये भी एक बेस्ट प्लांट माना जाता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ईजिली ऐड कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद ये मनी प्लांट, हवा को शुद्ध करने के लिए भी बहुत बेस्ट प्लांट माना जाता है। कटिंग से बहुत आसानी से पानी में, मिट्टी में, सब में ग्रो हो जाता है और ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलता है और बहुत शुभ प्लांट भी माना जाता है। तो इस प्लांट को भी आप ऐड करें अपने गार्डन में। ये है क्रिसमस का प्लांट, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत बेस्ट प्लांट माना जाता है और ये भी ब्राइट लाइट में बहुत आराम से चलता है और बहुत इजी टू मेंटेन है। ये भी आप इसको अच्छी सी ड्रेनेज वाली मिट्टी बना के, भुरभुरी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए, ओवर वाटरिंग मत होने दीजिए, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चलता है और कटिंग से भी ये लग जाता है। ये हमारी तुलसी जी का प्लांट, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत सुंदर प्लांट माने जाते हैं और ये हर आंगन में पाई जाती हैं, तो आप भी इनकी पूजा भी की जाती है, तो आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और ये बेबी डॉल का प्लांट है, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है, तो आप इस प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। और सेम है, ये भी बहुत ईजिली आपके गार्डन में चलता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प्लांट, बहुत आसानी से कटिंग से लगता है और ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफाइड प्लांट होता है, हवा को शुद्ध करने वाला। आप इस प्लांट को भी आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है ये लालसा का प्लांट, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा सा प्लांट होता है और ये भी आउटडोर इनडोर दोनों चलता है और बहुत ईजिली इसकी कटिंग लगती है और देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो आप इस प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। इधर देखिए ये गोल्डन डस्ट का प्लांट है, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। ये कर्ड वाला वो है, इसकी पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी होती हैं, क्रोटोन, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। इधर ये ग्रीन ड्रेसिना या सॉन्ग ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। इधर ये देखिए एग्लोनिमा की दूसरी वैरायटी, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। इधर एक क्लेडियम की वैरायटी है, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत बेहतरीन प्लांट माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट रखे हैं ये सभी बेस्ट एयर प्यूरीफाइड प्लांट हैं। आप इन सबको देखिए, कोलियस देखने में सुंदर लगता है पर ये हवा को शुद्ध करता है या नहीं करता है ये नहीं पता मेरे को, पर प्लांट तो प्लांट होते हैं, आपको ऑक्सीजन देंगे ही देंगे। ये ब्यूटीफुल सा रेहू का प्लांट है, ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए अच्छा प्लांट माना जाता है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है, इसका प्रोपोगेशन भी बहुत इजी होता है। ये जितने भी पफ आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनमें से अलग अलग प्लांट इनको बना सकते हैं आराम से रूट सहित, तो इस प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये अरेलिया का प्लांट है और ये भी हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत बेस्ट प्लांट माना जाता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगती है, बहुत देखने में भी बहुत सुंदर होता है और ये ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलता है, तो आप इस प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और वैसे तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे देखिए लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, तो हमारे घर आंगन की हवा को तो ये शुद्ध करते ही करते हैं। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ओके फ्रेंड, बाय।